चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हरियाणा भी आजादी के जश्न में पूरी तरह से नजर आया। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार को कई उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा वासियों ने अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर भारत माता की शान को बढ़ाया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव के तहत समालखा में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। हर घर पर लहरा रहा तिरंगा पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों ने भी अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर भारत माता की शान को वैसे ही बढ़ाया जैसे सरहदों पर ज्यादा से ज्यादा जवानों को भेजकर देशभक्ति का परिचय देते आए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कौन कौन सी मुख्य बातें कही है। देश भर में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। सीएम मनोहर लाल ने समालखा में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम का संबोधन। सीएम मनोहर लाल ने सभी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी हरियाणा से निकली। सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा राज्य से है। हर घर तिरंगा मुहिम से पूरा प्रदेश जुड़ा है। अंबाला में सरकार बना रही शहीद स्मारक। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के लिए समर्पित है स्मारक। सरकार ने 500 नए मॉडल क्रेज खोलने का किया काम। सरकार ने हरियाणा जल जीवन मिशन की पहल की। नल से जल देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। गांवों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल किया लॉन्च। प्रदेश के करीब 80% गांवों को दी जा रही 24 घंटे बिजली। अब 5,600 से ज्यादा गाँवों में मिल रही है 24 घंटे बिजली। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले इथेनॉल प्लांट हरियाणा को किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 5 प्रण लिए। विकसित भारत मन के हर कोने से गुलामी से मुक्ति शक्ति एकता और एकजुटता का प्रण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज 5 प्रण लिए वो है विकसित भारत गुलामी की मानसिकता से 100% मुक्ति अपनी विरासत पर गर्व एकता एकजुटता और नागरिक कर्तव्यों का पालन। हम उन्हें आज से ही फलीभूत करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमृत काल के 5 प्रण के आह्वान को पूरा करने का संकल्प लें। अगले आने वाले 25 वर्षों में जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमको बताए हैं उस बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पीएम मोदी ने लाल किले से यह है 5 प्रण। पहला, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरा प्रण है शक्ति। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। ये विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रण। एकता और एकजुटता 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, न कोई अपना न कोई पराया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रण है। और पांचवा, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। पीएम मोदी ने कहा कि पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे ये 5 प्रण है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला से फूटी थी। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की
सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मनोहर लाल ने कहा कि हम आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण कर रहे हैं। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम अपने शहीदों के बलिदान को कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए सैनिक के साथ अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। आईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। शहीद सैन्य और अर्धसैनिक बलों के 347 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश आजादी के 19 साल बाद अस्तित्व में आया, फिर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हरियाणा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देश का बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वचन को साकार करते हुए पिछले 8 सालों में हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 8वां अवसर है। पिछले 7.5 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के द्वारा सहायता दी है। इसी प्रकार हमने ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी। हरियाणा में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह में एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75% आरक्षण, नई शिक्षा नीति 2020, विवादों से समाधान, हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। इसके साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और केंद्रीय खाद्यान्न पूल में हमारा लगभग 15% योगदान देता है।
और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का शेयर बढ़ रहा है। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण के किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, केंद्रीय खाद्यान्न पूर्व में लगभग 15% योगदान देता है। अब तक देश प्रदेश कृषि प्रधान तो था लेकिन किसान प्रधान नहीं था, अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। वहीं राज्य में बहुत ही उत्तम और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, इनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। इन सब राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। वहीं पलवल से सोनीपत वाया सुहाना, मानेस, खरखौदा, कुंडली तक 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हमारी युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं हाल ही में बर्मिंघम में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत योगदान है। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक के साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 51,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। वहीं 151 वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया है। एक ब्लॉक एक कैंटीन योजना के तहत 100 कैंटीन स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के विकास का मार्ग गाँव की गलियों से होकर गुजरता है, इसीलिए गाँव का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। वहीं प्रदेश के लगभग 80% गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और इस योजना में नए गांव जोड़े गए हैं, जिसमें 5,600 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा की रिपोर्ट।